हमसे कोनो गलती हो गई का? तू जो हमें तुम हमें जो जो कनिसिया तुम हमरे अंदर ढूंढ रही हो ना, वो तुमको हमरे अंदर नहीं मिलेगा। शेखर बबुआ, अरे मत करो कोई बात हमसे। बबुआ बस इतना तो बता दे कि वो क्या बता दे? कुछ नहीं हुआ हमसे। नहीं बोल पाए सच्चम उस लड़की से, और ना वो कर पाए जो बाबूजी से हम चाहते। चुप चुप छुए तक नहीं हम उस लड़की। बंसी जी मालिक, इधर आ। शेखर जरा मालिक, समझाया था ना, आपकी बुद्धि उस वक्त घास चरने गई थी। यह कान में ठिप्पी लगा था, कहा था उस लड़की को जाके समझाइए कि तोहरे कदे बेटे को रिझाने की कोशिश करे, उसका मन मोहे, ऐसा नहीं करेंगे तो पत्थर पे घास नहीं उगेगा। बोलो आपसे ये काम होगा करना ही? लेकिन कुछ नहीं, लेकिन किंतु परंतु। अभी जाएंगी आप, सीधे वहां जाइए, जो हम कहा हूं वो कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चाबुक लगाम सब तैयार। अरे सत्यानाश, अब घोरा ही पलटी मारेगा तो
दौड़ कहां से शुरू होगी? जो कनिसिया तुम हमरे अंदर ढूंढ रही हो ना, वो तुमको हमरे अंदर नहीं मिलेगा। ठाकुराइन जी, बैठिए। हमरा भाग की आप ही कोठरी में आई। आप पहला बार आई हैं, हम कुछ लेके आते हैं। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस तुम्हें ईद देने आए थे। मुंह दिखाई नहीं दिए थे ना, यही देने। बाप रे बाप, इतना कीमती साड़ी मुंह दिखाई में हम क्या करेंगे? अरे ये तो कुछ नहीं है, तुमको और भी कुछ चाहिए तो बोलना, मंगवा देंगे। नहीं नहीं ठाकुराइन जी, ये सब हमको नहीं चाहिए। अरे पागले है क्या? सगुन का चीज वापस करता है का? रख ले, ले, ले। और तुमको यहाँ कोनो दिक्कत है तो हमको बताना। सब कुछ तो बहुत बढ़िया है ठाकुराइन जी, खाली एक चीज छोड़ के अब आपसे क्या छुपाना? यहाँ बहुत अकेले पड़ गए हैं, अकेले बैठे बैठे मन अकुताता है। हम काम काज के चलते उनको फुर्सत नहीं मिलता है मिलने का। लेकिन अगर समय मिल भी जाता तो क्या मतलब, जुगनू के जगमग से भी कम दे ठहरते हमरे पास। आप तो हमारी माई के समान है, आपसे क्या छुपाने? हमको लगता है कि हमसे दूर भागते हैं। आज एगो ऐसा बात कर चले गए कि क्या कर रहे थे। हाँ, तुम जो जो चीज हमरे भीतर खोज रही हो ना, तुमको कहियो नहीं मिलेगा। आपकी छोटी बहन शेखर का नाम का सिंदूर नहीं डालेंगे, ओकरे नाम की चूड़ियां नहीं पहनेगी, और ये हवेली में नहीं रहेगी, वो कोठरिया में रहेगी। आपका बिटुआ हमारी बात नहीं मानेगा, तो आपकी छोटी दुल्हन को हमारी बात मानने की पड़ी, और ये सारा काम आप ही को करना पड़ेगा। हमको लगता है कि हमरे अंदर कोई खराबी है। जब भी वो आते हैं ना, तो हम अपना शिकायत लेके बैठ जाते हैं, कहीं उनका मजबूरी समझ भी नहीं करते, इसलिए शायद वो घबरा के हमसे दूर भागते होंगे। देखो, मरद जात और भवरा का जात का स्वभाव एक ही होता है, सुगंध के पीछे भागने का। मतलब तुम सुंदर हो, अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी महक अभी तक तुम्हारे वो आदमी को नहीं मिली। महक? इतना गुलाब जल का बात कर रही है का? अरे ना रे पगली, औरत की सुंदरता में जो
आग होती है ना, वही उसके महक होती है। मर्द उसी में जलना चाहते हैं और वही आग आदमी को खींच कर लाती औरत के पास। इसलिए औरत को पहनना ओढ़ना साज सिंगार ये सब अच्छे से होना चाहिए। मर्द को रिझाने आना चाहिए, उसके पसंद नापसंद का पता होना चाहिए। बहन जी, अगर अभी ऐसा करेंगे तो वो हमको अपना लेंगे। आपके अंदर कितना ममता है, हम तो एकदम में हिम्मत हार गए थे, लेकिन आप हमको बल दे दी, अब हम सब करेंगे। आप इतना कुछ किए ठाकुरान जी, खाली एगो विनती और है, अगर ये सब करने पर भी वो नहीं माने तो आप उनको समझाएंगे, आपकी बात नहीं टालेंगे, इतना कर देंगे ना ठाकुरान जी? वो बहुत समझदार लड़का है, कुछ अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ। मतलब वो समय निकाल कर हमसे मिलने आएंगे? पता ठाकुरान जी, जब से ही हवेली में आया है तब से आज पहला बार किसी से इतना ममता मिला है। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि अपने पति का किसी तरह मन मोह सके। ऐसा ही होगा। एक मिनट ठाकुरान जी, कैसा कैसा इम्तिहान से और गुजरना पड़ेगा हमको। आखिर ये झूठ की दुनिया बनाकर कब तक रहेंगे हम? शेखर जो कर रहा है उसके पीछे की तकलीफ तो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो लड़की छह दिन उसे पता चलेगा कि वो यहां दुल्हन बनकर नहीं आई है, बल्कि रखेल बनाकर लाई गई है। वो दिन हम उसको अपना कौन सा मुंह दिखाएगा? रख दिए। घर के हालात से बहुत परेशानी हो रही हम समझ सकते हैं ठकराइन। अपू के बारे में ही सोच रही है ना? नहीं, हम तो गरीब लड़के के बारे में सोच रहे थे।
सत्यानाश, मुंह के बारे में सोचने का कमत बल कहा पकाऊं? अब ठाकुर साहब का का झूठ मूड में जदिया रहे हैं और अपने साथ पूरे घर भर को परेशान कर। हम तो छोड़ जात हैं, अब ज्यादा मुंह नहीं खोल सकते। आपके परेशानी देख के हमको मन होता है कि हम ठाकुर साहब के पास सीधे जाके कहें कि अपने बारिश का सपना के लिए हम भी ठाकुरायन के आंचल को आंसू से काए भिगो रहे हैं। तू हमार आंचल की चिंता छोड़, अपने चादर पे ध्यान दे। ज्यादा पैर फैलाएगी तो चादर से भी हाथ धोएगी और अपने पैर से भी, समझी? गलती की है, बसुरी छीन के लेते आए, इससे तो उनका गुस्सा बढ़ भी ना करेगा। जाके लौटा देते हैं, यही बहाने मिलियो लेंगे। और क्या बोले थे? तो तुम हमरे अंदर खोज रही हो, हमरे अंदर नहीं मिलेगा, इसका मतलब भी पूछ लेंगे। सुनिए, आप यहां आएंगी या हम आपके पास आए? जी जी, आप अपना काम किए, तो इतना मुलायम में काहे बता रही हैं? कायदे का काम करके आई हैं, दाब के बोलिए। अब हम हमरे समझ से पूरा कोशिश तो किए हैं। वाह, सही बात। आपकी समझदारी भी कितनी है, आखिर आप भी अपने बाप की ही बेटियां हैं ना। बेटियां हैं ना। आप हमारे बाप पर कह लिए जा रहे हैं? इसलिए कि आपके बाप के पास सब कुछ था सिवाय बुद्धि के। सारा धन दौलत मिला गया बिना बुद्धि के। वही हालत आपकी भी है, लेकिन हम कुछ बिलाने नहीं ना देंगे, इतना जान लीजिए। खड़े खड़े मुंह का ताक रही है, जाइए। लोहा, काहे पागल कुत्तों की तरह अपने लोगों पे भौंक रहे हो? बाबूजी, हमको गिदड़ वाली धमकी मत देना, मैं बाप हूं तेरा, जो हो रहा है सब देख रहा हूं और समझ रहा हूं। वारिस पाने के लिए तू लड़की खरीद के लाएगा, इस सोच के भी हमको घिनना की है। और ये पाप का काम तू ये लिए कर रहा है ना कि सारी दुनिया हंस रही थी कि तू निर्वंश है, निर्वंश है। और अब न जाने कितने ही लोगों को रुला रहा है। भाषण ना दें आप,
सत्य है, हमें पोता चाहिए। वारिस चाहिए हमें इस खानदान के लिए। सत्य है, सत्य है। और वह लड़कियां देगी वो कठरिया वाली। बहादुर है, उसमें क्षमता है ठाकुरों का बच्चा पैदा करने खातिर। वो लड़की से पैदा हुआ बच्चा जिस दिन यहां खड़ा होगा ना, दुनिया झुकेगी लोहा सिंह के सामने। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, दिया जलाने के लिए कोई बाकी नहीं रहा। फिर तू का है इतना घमंड में रहता है हरदम।